अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद औरंगज़ेब और आप देख रहे हो ओरो हिंदुस्तानी। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो ब्लॉग रिलेटेड है गैस कटर से। एक गैस कटर बनने के लिए अगर आप चाहते हो कि कोई प्लांट पे, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे गैस कटर का काम करो, तो उसका काम क्या रहता है गैस कटर का, वो काम ड्यूटीज क्या होता है और वो उसका सैलरी क्या होता है। अगर कोई बंदा चाहे कि मैं गैस कटर बनूँ तो उसको बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना एजुकेशन चाहिए उसमें, तो मैं आज उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और एक शख्सियत है जो गैस कटर का काम करता है, जिसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। और नाम क्या है तुम्हारा? दिलीप कुमार यादव। थोड़ा आवाज़ से बोलो। दिलीप कुमार यादव नाम है इनका। ये है गैस कटर हमारे कंपनी कोडियार में, और तकरीबन एक साल से ज़्यादा दिन हो गया हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। हाँ तो दिलीप बताओ, गैस कटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो क्या होता है? जब मतलब कब से काम कर रहे हो प्रोजेक्ट पे तुम? काम तो कर लिया 8-9 साल। 8-9 साल से काम कर रहे हो प्रोजेक्ट पे। हाँ तो सबसे पहले काम कहाँ किया था, मतलब इस लाइन में जब तुम आए थे तो तुमको कैसा लगा कि मैं गैस कटर ही बनूँ? मतलब दरअसल किया था। हाँ इधर है तारा चांद में काम किया था, जामनगर में आकर के। हैं जामनगर में तारा चांद में काम किया था। उसके बाद उसका पास पहले हेल्पारी की हेल्पारी का गैस करते गैस कटर बना। फिर गैस कटर हाँ तो गैस कटर बना। तो स्टार्टिंग में सैलरी कितना था गैस कटर का? 15,000 रुपया था स्टार्टिंग में। अच्छा, स्टार्टिंग में 15,000 रुपया सैलरी था गैस कटर का। और कितना दिन लगा गैस कटर, मतलब गैस कटर बनने में? 6 महीना लगा। 6 महीने में गैस कटर बन गया। तो गैस कटर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए, कोई पढ़ा लिखा जरूरी होना चाहिए कि मतलब कोई अगर 12th पास रहेगा, 10th पास रहेगा तभी बन सकता है गैस कटर? नहीं, पढ़ा लिखा चाहिए। हाँ पढ़ा लिखा चाहिए। क्या मतलब तुम कितना पढ़ा लिखे हो? हम तो इंटर किया है। तो इंटर किया है, तो मतलब कि अगर कोई बंदा अगर चाहे कि गैस कटर बन सक मतलब बनना चाहे तो बन सकता है 6 महीना अंदर या 7 महीना कोई गैस कटर के साथ हेल्प फ्री करेगा तो बन जाएगा। हेल्प फ्री करेगा तो बनेगा, तो बन जाएगा गैस कटर। और गैस कटर का अभी सैलरी कितना है? अभी तो 25,000 है। अभी 25,000 का सैलरी गैस कटर का सैलरी है। और ड्यूटी आवर्स 12 घंटा, 10-12 घंटा जो प्रोजेक्ट पर रहता है जो वही। तो गैस कटर, तो तुम हमें दिखा सकते हो कि गैस कटर कैसे गैस कटिंग करते हो, उसमें कौन सा गैस यूज करते हो, कौन सा नोजल यूज कर सकते हो, बता सकते हो? हमें थोड़ा बताना कि गैस कटिंग का काम होता कैसे है, या अगर कोई बंदा बनना चाहे गैस कटर बनना चाहे तो वो मतलब इस वीडियो को देख कर, तुम्हारे वीडियो को देख के एक मतलब एक स्किल सीख सकता है कोई बंदा, वो आगे जाके फ्यूचर में काम कर सकता है। ठीक है, तो मैं अभी जिससे बात कर रहा था वो था गैस कटर दिलीप। तो मैं अब जा रहा हूँ गैस कटर को, मतलब वो गैस कटिंग का जो काम है वो कैसा काम है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं गैस कटर में कौन कौन सा गैस यूज करते हैं दिलीप। डी है ऑक्सीजन। डी है ऑक्सीजन, डी और ऑक्सीजन मिला के अगर करेंगे तभी होगा। और दूसरा गैस यूज कर सकते हैं? नहीं होगा ना दूसरा गैस। नहीं, एलपीजी यूज नहीं कर सकते? एलपीजी तो हमारी के लिए तो एलपीजी यूज हो जाएगा, प्लेट में कटिंग करने से पाइप नहीं कटाएगा। अच्छा, तो डीए और ऑक्सीजन मिला के कटिंग करेंगे तो पाइप कटिंग हो जाएगा। तो ठीक है, दिखाओ किधर काम, तुम्हारा जॉब किधर है? पाइप। तो गैस कटर का जो काम होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, गैस कटर का काम होता है प्लेट कटिंग करना, पाइप कटिंग करना या स्ट्रक्चर कटिंग करना। उसमें देखो गैस कटर एक्चुअली जो मेन गैस कटर कैसे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और ये प्लेट कटिंग कैसे करता है। इसका प्लेट का थिकनेस देखो, कम से कम 8 mm थिकनेस होगा इसका, 10 mm थिकनेस है प्लेट का। और इसमें जो गैस यूज करता है गैस कटर वो डीए और ऑक्सीजन यूज करता है। और 10 mm का जो प्लेट है उसको गैस के द्वारा मेल्ट करेगा, पूरा पिघला दिया जाता है। ये होता है गैस कटर का काम। ये हमारा दिलीप भाई। भाई मजा आ रहा है आपको काम में? ठीक
देखो ये हॉल हो गया। तो एक्चुअली जो गैस कटर का जो ये काम होता है उसका प्लेट कटिंग करना, ये देखो स्ट्रक्चर कटिंग करना, कितने एमएम का हॉल हुआ है दिलीप? 22 एमएम का हॉल हुआ है। तो गैस कटिंग करने से पहले क्या होता है, उसको मार्किंग करना पड़ता है कि कहाँ पे कटिंग करना है, उसके हिसाब से गैस कटर वो कटिंग करता है। तो उसको एक्चुअली नट बोल्ट वहाँ पे डालना है, तो वो हिसाब से 22 एमएम का वो है, तो 22 एमएम का यह हॉल किया है। तो ये मेन काम होता है। और ये जो गैस होता है ऑक्सीजन और डीए, उसका कलर कोड होता है। जो ऑक्सीजन का कलर कोड ब्लू है और डीए का जो है वो पिंक कलर का जो है। तो ये काम होता है। और ये और जो इसका सैलरी होता है कितना, 25,000? कितना सैलरी है दिलीप तुम्हारा? 25 से 30,000 तक का सैलरी होता है गैस कटर का। तो 10 एमएम का प्लेट तो देखो ये हॉल हो गया। और इसमें जो डी है, जो ऑक्सीजन का प्रेशर लेंगे हम इसमें, इसमें डिपेंड करता है कि थिकनेस क्या है, थिकनेस के हिसाब से हम उसका लेते हैं।